हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई एक ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, हम पीछे बैठे हैं, तो हमने तो गलती की नहीं, ड्राइवर ने गलती की, या तो उसको नींद आ गई, या तो उसको उसने शराब पी ली, या तो वैसे ही वो प्रमाद में था तो उसने टक्कर मार दी। तो गलती तो उसने की ना, लेकिन हाथ पैर तो हमारे भी टूटते हैं, घायल हम भी होते हैं, कभी मर भी जाते हैं। तो कर्म तो उसने किया, फल इसको कैसे मिल गया? तो इसको आप कहीं भी लगा लो, पति पत्नी में लगा लो, परिवार में, राष्ट्र में, कहीं भी लगा लो, तो इसमें ये कहा जाएगा, एक होते हैं कर्म, एक होता है कर्म का प्रभाव। ये जो गाड़ी में जा रहे थे, तो इसमें जब पुलिस पकड़ेगी तो उस ड्राइवर को ही जेल होगी, इनको नहीं होगी, क्योंकि कर्म उसने किया है, इनके ऊपर उस कर्म का प्रभाव पड़ा है। इसका उदाहरण देते हैं, भी कर्म तो एक पाचक रोटी बनाता है और खाते हैं सारे जने, तो फल तो सबको मिला ना, कर्म उसने अकेले नहीं किया। नहीं, उसने जो कर्म किया उसका फल उसी को मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव आप सबके ऊपर भी पड़ रहा है। तो एक कर्म होते हैं, एक कर्म का प्रभाव होता है, तो प्रभाव तो दूसरों पे भी पड़ जाता है, सामूहिक रूप से भी पड़ जाता है, लेकिन ये जो जो बायोवेप बनाने वाला व्यक्ति था चाइना का, इस दुष्कर्म का फल केवल उसी को मिलेगा, प्रभाव इतने लोगों पे हुआ है। तो इन आत्माओं का या तो ऐसा इनको कोई भुगतना था कष्ट, तो ये निमित्त बन गया कोरोना, उन्होंने अपना भुगत लिया। अगर तो इनका कोई दोष था ही नहीं और फिर भी इनको कष्ट मिल गया, तो इनकी क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देंगे, आगे कहीं कर देंगे। ऐसा योग दर्शन के व्यास भाष्य में बताया है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? इधर दे दो। बोले थे कि हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, तो कभी ऐसा भी होता है कि हमें भविष्य का प्लानिंग करना हो तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, पीछे के भी कुछ हमें चीज़ें ऐसे होते जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो हमें ऐसा कैसे कैसे वर्तमान में ही हमेशा रहें? नहीं तो वहाँ मतलब ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आप इतिहास से कुछ सीख मत लो या आगे का कोई प्लान मत बनाओ। बस वहाँ कहने का अभिप्राय इतना ही है कि हम जैसे 90% तो योजनाएं बनाते रहते हैं और भूल भटक के मुश्किल से 10% वर्तमान में, 10% भी नहीं रहते, 1-2% रहते हैं वर्तमान में। आप अपने चित्त का अवलोकन करेंगे ना, तो या तो पीछे का कुछ सोचता रहता है या फिर आगे की प्लान करता है, तो ये गलत है। एक बार सुबह उठ करके निर्णय ले लिया कि मुझे शाम तक ये काम करना है, तो बस अब उसको करने में लग जाओ, तो अब उसको बार बार क्या सोचना है? या 2-4-5 वर्ष की जो प्लान है, और हम बार बार कि मैं ऐसा करूँगा, मतलब अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर जब मेरा ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर मैं वहाँ नीलकंठ जाऊँगा, फिर वहाँ समाधि लगाऊँगा, यहाँ तो समाधि लगने की नहीं है, इतनी कचपच रहती है, बच्चे शोर मचाते रहते हैं, और ये सुनने वाले भी पूरा सर के ऊपर डंडा रखते हैं, इनको सुनाना भी पड़ता है, तो बस एक बार ये पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद तो जाके जंगल में समाधि लगा लूँगा, ऐसे हमारा मन सोचता रहता है, और वो दिन कभी भी आता नहीं है। आज यदि लगाई आपने, चाहे वो आपने 10 मिनट के लिए लगाई, तब तो आप 5 साल के बाद भी लगा लोगे, और यदि आज नहीं लगाई तो नहीं लगेगी 5 साल के बाद, संस्कार बनेंगे ही नहीं ना, तो कैसे लगा लोगे? अचानक नहीं होता है कोई काम, कोई मतलब अचानक कोई व्यक्ति कोई किसी उसमें विद्या में निपुण हो जाए, ऐसे नहीं होता है, उसके लिए वर्षों अभ्यास करना होता है। तो ये अध्यात्म विद्या तो सबसे सूक्ष्म विद्या है, तो ये जो कहा जाता है कि भाई वर्तमान में रहो, ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनको योगी बनना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो उन पीछे से सीख तो लेनी ही है हमें, तो जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका वर्तमान भी क्या होगा, तो अपने पूर्वजों से भी हमें सीख लेनी है, अपने ऋषियों से भी लेनी है, पर उसमें खोए नहीं रहना है। तो यही तो हुआ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ इतनी ऊंची शिक्षा व्यवस्था थी,
हमारे यहाँ इतना राजनीति ऐसी थी, अश्वपति ने ऐसा उद्घोष किया, नैमेस्तेनो जनपदेन, इतने हमारे गुरुकुल थे, ऐसी हमारी लाइब्रेरी थी, मैकाले ने आकर के सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो बस उसी में हम लगे रहते हैं, और लगभग अब तो मैकाले को भी गए हुए कितने वर्ष हो गए, 170 साल, मतलब उसको भी लगभग 150-200 वर्ष हो गए, और 150-200 वर्ष से गाली दिए जा रहे हैं उसको। वो तो चला गया, आप सब ने मिलके क्या किया, वो तो अकेला था, मतलब हमें कुछ नहीं करना। और हम इतिहास को लेकर के, हमारे ऋषि ऐसे, ऋषि तो ऐसे थे, हमारा कुल खानदान ऐसा था, आप क्या हो वो भी तो बताओ, उससे प्रेरणा लेके आपको वैसा बनना है, नहीं तो उसका कोई मतलब, कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। कितना भी महान किसी का इतिहास क्यों ना रहा हो, यदि उस इतिहास से प्रेरणा लेके उसने अपने वर्तमान को यदि नहीं संवारा, तो वो तो फिर एक लज्जा जैसी बात है इतिहास की। तो इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, इतिहास में कुछ भूलें हुई हैं तो उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि भाई हमारे से पहले वालों ने ये भूल की तो ये परिणाम आया, हमें आगे ऐसा नहीं करना है। आगे की भी एक कदम की तो योजना होती ही है, जब मैं एक कदम उठाती हूँ तो आगे देखती हूँ कि कहीं कोई कंकर पत्थर कांटा सांप बिच्छू कुछ है तो नहीं। तो बस इतना काफ़ी है, एक दिन की योजना काफ़ी है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें 6 महीने की, 1 वर्ष की भी योजना बनानी होती है, भाई 6 महीने के बाद मेरे को ये परीक्षा पास करनी है, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं NET की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तो एक दिन हो गया डिसाइड, फिर उसके लिए आज के दिन में मुझे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने मैट्रिक में एडमिशन लिया आज, और आज ही निर्णय कर लिया कि मुझे मैट्रिक में मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे मेरा नाम आना चाहिए, ये उसकी योजना है। अब ये योजना कितने दिन में पूरी होगी, 1 वर्ष में। पर उस 1 वर्ष को डायरी में लिख करके, 1 वर्ष में ये पूरी होगी तो प्रतिदिन मैं कितना कितना याद करूँगा, तब जाके 1 वर्ष में मेरा नाम सबसे टॉप पे आएगा। तो प्रतिदिन वाला तो प्रतिदिन करना चाहिए ना फिर, और प्रतिदिन का प्रतिदिन करता रहा तो निश्चित रूप से वो टॉप पे आ ही जाएगा। और रोज वाला रोज तो करता नहीं है और सपने लेता रहता है बैठे बैठे, और बोले फिर 1 महीना आया तो उस समय खाना पीना सब छोड़ दिया और लग गया 12-12 घंटे पागलों की तरह से, स्वास्थ्य और ख़राब हो जाता है फिर, ना खाना ना सोना। फिर बोले जी अब की बार तो बीमार हो गई, तो अब की बार तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, अब तो अगले साल बात। तो ऐसे साल भी चले जाते हैं, ऐसे जीवन भी चले जाते हैं, हम सब कैसे चले ही गए ना। जो वर्ष हमारे बीत गए, तो हम यदि ईमानदारी से अपना निरीक्षण करेंगे तो जो इतने वर्षों में हमें प्रतिदिन करना चाहिए था, यदि हम उतना करते तो आज हमारे पास आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा भंडार होता, हम ऐसे खाली नहीं रहते। और यदि आज भी हम उससे प्रेरणा ना लेके, सीख ना लेके आज भी उसको शुरू नहीं करेंगे, तो अगले 20-30-50 साल में भी ऐसे कैसे रहेंगे फिर, बल्कि और भी कम हो सकता है। क्योंकि ये 20-30 साल में जो संस्कार बना लिए ना, ये फिर हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मान लो शुरू में तो 5-10 संस्कार थे, और अब हमने और 10-20 साल तक उनको 100-200-500 माने रस्सी को और मोटा बना लिया, तो अब उसको घिसना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें रोज वाले काम में कोताही नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है भाई वर्तमान में जियो, क्योंकि आज वाले में कोई त्रुटि ना हो, आगे की योजना पीछे के पश्चाताप में आज का दिन वेस्ट ना हो जाए कहीं, हो गया उसको, उस वो दोबारा कभी आ ही नहीं सकता है, और जो आया नहीं है उसका भी अस्तित्व नहीं है, कौन जाने क्या होने वाला है। हमने इतने सारे शिविरों के कार्यक्रम बनाए हुए थे मई और जून में, वो कोरोना आया सारे रद्द हो गए सारे कार्यक्रम। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बार होता है, वो योजनाएं तो सब अच्छी अच्छी बनाते हैं, पर उसकी भी तो योजना है साथ में, तो क्या होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और पीछे जो चला गया वो हमारे पास आना नहीं है। अब इस नदी में से जो पानी आगे बह गया
वो दोबारा आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आएगा, वो गया वो गया। तो हमारा जीवन जो गया वो गया, आज 5 बजे तक का भी जो जीवन गया वो वापस नहीं ला सकते हैं आप। दोपहर में भी जो हमारे से घटना घटित होगी उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं, वो तो गया, तो एक पल भी वापस नहीं आता है। तो अब उसके बारे में ज़्यादा पश्चाताप नहीं करना कि हाय मैंने आज सुबह भी ये क्यों कर दिया। इस वाले क्षण को संभालना, अब सुबह वाले के पश्चाताप में ये और बीत रहा है, ये भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में रहना चाहिए। अस्तित्व वर्तमान का ही है, ना तो भूतकाल का अस्तित्व है और ना भविष्य का है। तो जब भी अस्तित्व में आएगा तो आज ही होगा वो। हाँ जी, इधर किसी का और प्रश्न है बहनों में, इधर भाइयों में, इधर दे दो, प्रदीप जी को दे दो। सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है या दोनों में अंतर है? ना, आत्मा तो चेतन है और ये जड़ है, ये प्रकृति से बना है, त्रिगुण से बना है, सत्व रज तम से, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो ये आत्मा से प्रभावित होते हैं या आत्मा इनसे प्रभावित होती है? ये आत्मा इनसे प्रभावित होता है, ये तो जड़ है, ये क्या प्रभावित होंगे? तो आत्मा बहन जी प्रभावित होती है, क्या वो प्रभावित करती भी है किसी को? आत्मा नहीं, आत्मा तो एक एनर्जी है, मतलब आत्मा लिप्त तो नहीं होती है, पर आत्मा के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। अज्ञान के कारण आत्मा खुद ही अपने ऊपर आरोपित कर लेती है, मतलब उसको कोई सुख दुख होता नहीं है, पर सुख दुख तो जो होते हैं वो बुद्धि और मन में होते हैं, क्योंकि ये त्रिगुण का है सुख दुख जो गुण है ना। लेकिन आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेती है, जैसे क्रिकेट मैच तो 8-10-12 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेटर्स खेलते हैं, और यदि वो युद्ध के मैदान में हार जाएं तो फिर ये कहते हैं कि भारत हार गया आज, और यदि वो जीत जाएं तो कहते हैं भारत जीत गया। तो भारत थोड़ी खेलने गया था वहाँ, हार और जीत वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो भारत के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। वास्तव में तो जीत तो खिलाड़ियों की है। सैनिक लड़ते हैं तो हार जीत तो सैनिकों की होती है, लेकिन वो राजा पे थोप दी जाती है, आरोपित कर दी जाती है, वो राजा जीत गया या हार गया। तो ऐसे ही ये सुख दुख आत्मा के ऊपर आत्मा आरोपित कर लेता है, मैं सुखी हूँ आज मैं दुखी हूँ। और ये होता क्यों है? जब उसको सुख दुख होता ही नहीं तो आरोपित क्यों करता है? क्योंकि उसने बुद्धि के साथ अपने आप को एक बना रखा है। इसको अस्मिता दोष कहते हैं योग दर्शन की भाषा में, मतलब हमने इस शरीर को मन को और बुद्धि को ही अपना अस्तित्व मान रखा है। और ऋषियों ने बताया कि ये आप नहीं हैं, शरीर आप नहीं हैं। मरने के बाद व्यक्ति को दो ही अपनी बेवकूफियां समझ में आती हैं, हर मरने वाले को अपनी दो गलतियां मरने के बाद समझ में आती हैं। पहली तो ये समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं था, मैं पूरा जीवन शरीर समझ के जीता रहा, पर मैं तो शरीर था ही नहीं, शरीर तो मर गया, शरीर अलग है मैं अलग हूँ। और दूसरा उसको ये समझ में आता है मैं तो मरा ही नहीं, मैं सारी ज़िंदगी मरने से डरता रहा और मरने वाला तो कोई और था, मैं तो मरा ही नहीं। मतलब ये समझाने के लिए है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। सूक्ष्म शरीर तो है उसके पास, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर काम तभी करता है जब स्थूल में आता है। ये समझाने के लिए बात कही जा रही है, ये उसको समझ में नहीं आएगा। वो मूर्छित जैसी अवस्था है, समझ लो आप। जैसे आजकल पेन ड्राइव चल रहे हैं या सीडी है, तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, हो सकता है उसमें वीणा तबला ढोलक सब आवाज़ें हैं, लेकिन वो आप यदि ऐसे हाथ में रख के वो आवाज़ निकालना चाहो तो निकलेगी नहीं। उसको जब किसी टेप रिकॉर्डर में डालेंगे आप, प्ले करेंगे, तब वो अभिव्यक्त होंगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पेन ड्राइव में सब कुछ है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में जब तक नहीं लगाएंगे तो वो ना चित्र दिखेंगे ना आवाज़ आएगी। तो ये जो हमारा शरीर है ये तो इंस्ट्रूमेंट है, और उस सीडी में क्या भरा हुआ है या पेन ड्राइव में क्या है वो हमारा चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें सब कुछ है। और आत्मा उसको आरोपित कर लेती है अज्ञान के कारण। जिस दिन उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ,
यही आत्म साक्षात्कार है, तो फिर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो देखेगा, शरीर को दुखी होते देखेगा, शरीर को सुखी होते देखेगा, मन को प्रभावित होते हुए देखेगा, लेकिन वो खुद उससे प्रभावित नहीं होगा। देखे तो का ज्ञान तो होगा उसको, वो कोई ऐसे मतलब बुद्धू नहीं बन जाएगा कि भाई उसको यहाँ पर कोई पतंगा पड़ा और हाथ जला तो उसको दर्द ही नहीं होगा। ऐसा नहीं, दर्द क्यों नहीं होगा, वो कोई सेंसलेस थोड़ी हुआ है। लेकिन वो उसको देखेगा कि शरीर को हुआ है, मैं नहीं जला हूँ, शरीर जला है और शरीर को कष्ट भी हो रहा है। ना, आत्मा तो अनादि काल से चल रही है, सूक्ष्म शरीर का प्रलय के बाद सूक्ष्म शरीर मिला हमें, आत्मा नहीं। तो उनकी आत्मा तो पैदा होती नहीं है, तो उनकी संख्या निश्चित है, वो बढ़ती घटती रहती है। आत्मा ही ना सुनिश्चित ही है, वो तो ना मरती है ना जीती है। बढ़ती घटती तो तब हो कि कोई नया प्रोडक्ट बन गया या पुराने वाला डैमेज हो गया, तो कम ज्यादा हो सकता है फिर। तो अलग, फिर जितने सूक्ष्म शरीर होंगे बहन जी उतने ही ये हमारे ये फिजिकल बॉडी होंगी। हाँ, तो उस समय की पॉपुलेशन में नहीं, कुछ को वेट भी करनी पड़ती है, कुछ आत्माओं को वो वेटिंग लिस्ट में भी हैं अभी भी, यहाँ पता नहीं कितनी घूम रही होंगी आपके आसपास। हाँ। आकाश में घूमती रहती हैं, जैसे श्री राम की आत्मा है, हनुमान जी को तो खैर वैसे मानते हैं कि उनका सूक्ष्म शरीर में भी वो, उनको ऐसा वरदान मिला था, वो सब देख सुन पाते हैं। अब कृष्ण की आत्मा है, राम की है, महात्मा बुद्ध की आत्मा है, और मानो कि उनको मोक्ष नहीं हुआ, वो मोक्ष के आसपास पहुंच गए थे बहुत ऊंची स्थिति में, या किसी और योगी को ले लो, हम महापुरुषों का नाम नहीं लेंगे। मानो कोई एक योगी है और वो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया था, 99% काम उसने कर लिया था, 1% बचा था बस। तो अब वो, उसको ऐसे माता पिता मिले तब वो धरती पे आई, जब तक ऐसे तपस्वी माता पिता होंगे नहीं तब तक वो वेट करता रहेगा। हनुमान जी को आना है तो अंजना माता और पवन कुमार जैसे माता पिता चाहिए, राम को आना है तो कौशल्या जैसी माँ चाहिए। तो कुछ आत्माएं वेट भी करती हैं, कुछ दूसरी योनियों में भी चली जाती हैं। हाँ जी शुक्ला जी, हो गया पीछे वाले, उनको दो। ओम दीदी। दीदी मैं पूछना चाह रहा कि जैसे आपने बताया था कि हर काम लज्जे भाव से करना चाहिए, जैसे हम सोच के करते हैं दीदी तो उसमें बाधा आ जाती है, टोक लग जाती है, तो वो लज्जे भाव रहता है कि नहीं रहता? जैसे आपने सोचा कि हम अच्छे से अपना काम करें, जैसे सफाई करनी है जी, जी। तो उसमें किस तरह की बाधा आ जाती है फिर? जैसे दूसरे काम के लिए फोन आ जाता है और तुरंत जाना पड़ता है। हाँ, तो रहता है जी भाव से कि नहीं रहता? मतलब जैसे करना चाहिए था वो नहीं कर पाई जी, फिर तेजी से करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है जी। तो फिर मन में ये लगता है कि भाई जितना अच्छा हमने करने का संकल्प लिया था तो उतना अच्छा हम नहीं कर पाए इसको। ये बड़ा मतलब ऐसे प्रश्न मेरे को अच्छे लगते हैं, ये प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपको निर्देशित कर रहा है तो आपको तो उसका कथन के अनुसार काम करना है। तो यदि तो आपको योगी बनना है तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते, ऐसे गीता ने कहा है कि जो आपने प्रारंभ किया है और फिर कोई दूसरा आदेश मिल गया तो ठीक है वो कर लेते हैं, और अपने मन को हमने हटा दिया, अब वहाँ जो कमी रह गई उसके दोषी आप नहीं हैं। अगर आपको वहाँ नहीं भेजा जाता दूसरी जगह तो निश्चित रूप से आप उसको बहुत बढ़िया करते, अब इसमें थोड़ी कमी रह गई तो इसका दोष आपके ऊपर नहीं आएगा, आप तो उसके निर्देश का पालन कर ही रहे हैं, तो आपका तो खाते में अच्छे वाला ही जुड़ेगा, माने आपका राइट टिक होगा, क्रॉस टिक नहीं होगा आपका। हो गए, तेरे को कुछ प्रश्न नहीं आते? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने चाहिए, इससे पता लगता है कि वो व्यक्ति जागरूक है अपना काम करने के लिए, उसने अभ्यास शुरू किया है,
और नहीं तो हम यूँ सोचते हैं कि कोई बढ़िया सा प्रश्न पूछूं, ये भी क्या पूछना है, कोई ऐसा पूछूं कि जिससे मतलब मेरी भी थोड़ी विद्वत्ता दिखे कि देखो कितना गहन प्रश्न पूछा है। तो इस चक्कर में अपने को नहीं रहना चाहिए, उसको फिर दंभ कोटि में गिना जाएगा, जो कल आ रहा था ना भाई, जो हमारी रोज की समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि हमें तो वो जीना है ना। तो वहाँ यदि हमारे को सॉल्यूशन मिले तो आगे तो फिर हम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। जो सामने वाला रास्ता है उतना उतनी झाड़ियाँ काटते जाओ, वो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। पूरे जंगल को लास्ट तक रोड बनाने का सोचने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो कल इन्होंने ये बताया था कि जिनको इस प्रकार के भोजन प्रिय लगते हैं तो समझ लो कि उनकी श्रद्धा में सात्विकता की प्रधानता है, और किसी को कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, और तीक्ष्ण बहुत तीखे, रुक्ष रूखा सूखा, और विदाहीन जलन पैदा करने वाले, एसिडिटी आदि बनाने वाले, ये आहार यदि, इन आहारों के प्रति यदि व्यक्ति की ज़्यादा कामना रहती है, ज़्यादा प्रीति रहती है, तो समझ लो कि ऐसे आहार के प्रति जिसकी आसक्ति है, आहारा राजसी इष्टः दुख शोकामय प्रदा, और इसका परिणाम क्या होगा ये बाद में है, पहले वाले में परिणाम पहले देखा गया कि परिणाम क्या होगा, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो पहले परिणाम को सोचते हैं कि भाई मैं ये खा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। राजसिक व्यक्ति जो हैं वो पहले काम करते हैं, बाद में परिणाम के बारे में सोचते हैं, अरे ये हो गया मेरे से, ये तो गड़बड़ हो गया, बाद में परिणाम सोचा, अब तो हो गया लेकिन जब भोजन सामने आया तब तो खा लिया, बाद में अरे आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, पेट भारी हो गया, तो अब तो हो लिया भारी, अब थोड़े ना निकाल सकते हैं। तो ये राजसिक श्रद्धा की पहचान है कि पहले हम भोग करते हैं, बाद में फल के बारे में सोचते हैं। सात्विकता की प्रधानता होगी तो पहले परिणाम के बारे में सोचेगा व्यक्ति, बाद में कर्म करेगा, बाद में खाएगा। हाँ चारू जी बोलो। बहुत तीखा था उस टाइम, मैंने खा लिया, अभी बाद में रात को मुझे बहुत एसिडिटी हो गई थी, फिर मुझे बाद में फिर यही ध्यान आ रहा था कि खाना नहीं चाहिए था भोजन। हाँ। तो बाद में देखा ना परिणाम, और सात्विक प्रवृत्ति यदि प्रधान होती तो पहले देखते, कोई बात नहीं, अब आगे जब वो भोजन सामने आए तो पहले परिणाम देखना कि ये रखा है, एक बार अनुभव हो गया ना, एक बार तो व्यक्ति गलती से भी कोई चीज़ खा सकता है, पता ही नहीं था कि इसका क्या परिणाम होगा, पर एक बार पता लग गया कि इसका ये परिणाम आने वाला है तो फिर उसको उससे बचना चाहिए। दिक्कत तब होती है कि हम तो बार बार परिणाम भुगतते हैं और बार बार हमारे से प्रमाद होते हैं, ये हमारी वीकनेस है, क्योंकि हमने ऐसे अपने स्वभाव बना लिए, ऐसे अभ्यास बना लिए। रोजाना झगड़े होते हैं घरों में, बच्चों में, पति पत्नी में, मित्रों में, और उनको कहें कि चलो छोड़ो ना, यहाँ क्या क्यों रहते हो, जब इतनी परेशानी है तो वहाँ चलते हैं आश्रम में, छोड़ो इसको, तो बोले ना जी यहीं ठीक है, मतलब आदत पड़ गई। रोजाना जब लड़ते हैं तो लगता है कि बस अभी छोड़ के चला जाऊँ यहाँ से, नहीं रहना है मेरे को यहाँ, साधु बन जाता हूँ, और थोड़ी देर में मतलब जब साधु लेने आए कि चलो साधु बनाएं आपको, बोले ना जी यहीं ठीक है। तो ये हमारे अभ्यास बन गए, हम रोजाना उन्हीं चीज़ों से परेशान होते हैं और रोजाना हम वही करते हैं, तो बढ़ते रहते हैं वो। और तीसरे हैं ये, ना तो पहले परिणाम को सोचते हैं और ना बाद में सोचते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इससे किसकी हानि हो रही है, ना तो पहले पता होता है ना करने के बाद पता होता है, और बस किए ही जाते हैं उन कामों को, ये हैं तामसिक श्रद्धा वाले।
होश ही नहीं आता है व्यक्ति को। अब चाइना वालों को कौन समझाए कि भाई जो तुम कर रहे हो ये भुगतना किसको पड़ेगा। जिस जो व्यक्ति ये काम कर रहा है ये तो मतलब जीवन तो 4 दिन का है, और क्या पता कि इतने लोगों को मारने से पहले अब वो चल रहा है कि उसको जो है जेल में डालना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। तो सब राष्ट्र के लोग मिलकर के ये बल दे रहे हैं, तो खैर ये फल तो थोड़ा है, लेकिन जो उसने ये कर दिया, ये जो संस्कार बन गया, ये तो कई जन्मों तक उस व्यक्ति को नरक में डालता रहेगा। लेकिन करते समय उसको समझ में नहीं आता है, तामसिक व्यक्ति को ना बाद में समझ में आता है, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी जाती है उनको, मतलब अपराध करने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं होता है। एक तो वो होते हैं कि करने के बाद उनको पश्चाताप होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, एक है कि वहाँ जा कर के भी उनको ऐसे लगता ही नहीं है, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल में तो बंद कर देंगे, आ जाएंगे 2-4 साल में, आराम से रोटी खाएंगे वहाँ पे, दाल रोटी खाएंगे, फिर आ जाएंगे, करना वही है। लेकिन तो ये आहार, कौन से आहार उनको पसंद होते हैं जिनकी तामसिक श्रद्धा होती है। यातयामम गतरसम, जो सड़ा हुआ भोजन है, गतरसम जिसका रस सूख गया, नीरस भोजन, पूती पर्युषितम चयत, जो दुर्गंध वाला है, बासी है, उच्छिष्टम झूठा है, अमेध्यम जो आसानी से पचता नहीं है, मांसाहार आदि, ऐसे भोजन के प्रति जिनकी रुचि होती है ना, तो ये समझ लो कि ये तामसिक श्रद्धा वाले हैं। और जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे वैसे उसके कर्म, वैसा वैसा उसका भाग्य। तो आप एक बार आप ये सोचो 2 मिनट के लिए आँख खुली रख करके ही, कि आज सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक आपने अपना कैसा भाग्य लिखा, बहुत उच्च कोटि का लिखा या थोड़ा मीडियम लिखा या सामान्य कोटि का लिख दिया या पता ही नहीं क्या लिख दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो आप इसके ऊपर चिंतन करो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो आपको याद करना पड़ेगा सुबह उठा था तो सबसे पहले कौन सा विचार आया, फिर मैंने कौन सा काम किया, वो काम करते समय चित्त की स्थिति कैसी थी, फिर उसके बाद क्या किया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लगेंगे 5-7-10 मिनट, लेकिन वो कैलकुलेशन अच्छा है क्योंकि अभ्यास ऐसे ही होते हैं। और एक बार यदि महीने भर ये अभ्यास हो जाए व्यक्ति को, तो फिर वो एक जैसे ट्रैक पे चढ़ जाती है ना गाड़ी, पहले तो धक्का मारना पड़ता है, फिर एक बार यदि स्टार्ट हो गई तो अब चलती रहेगी। तो स्टार्टिंग में कोई एक धक्का मारने वाला चाहिए। तो आपका प्रश्न कल ले लें फिर, आज तो टाइम हो गया। तो कल आप अपना अपना बताएंगे, आपने अपना भाग्य कैसा लिखा, या तो ये बताएंगे या तो ये बताएंगे कि कौन सा काम आपने दिव्य कर्म किया और कौन सा काम सामान्य किया, कौन सा आपसे मतलब कितना प्रतिशत त्रुटि हो गई और कितने प्रतिशत याद रहा, कितने सक्सेस रही। क्योंकि हमारे को कोई सिलेबस तो पूरा करना नहीं है, हमें तो आपस में मिलकर के चिंतन मनन करना है, अभ्यास करना है। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे, ये 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में और आहार के बारे में आज इन्होंने बताया, शेष कल पढ़ेंगे। आज ही कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।